दोस्तों, तो अभी हम चेंज करने वाले हैं अपने केंट गोल्ड ऑप्टिमा का यूएफ मेम्ब्रेन्स और एक्टिवेटेड कार्बन। ये आप देख सकते हो, ये हमने स्पेयर किट मंगवा लिया है। ये मैंने लोकल शॉप से लिया, जिसमें मुझे मिला है एक यूएफ मेम्ब्रेन्स, एक एक्टिवेटेड कार्बन और दो सेडिमेंट फिल्टर्स, जो मुझे पड़ा 600 रुपये का। MRP आप देख रहे हो 670 है। ये 600 रुपये मुझे लोकल मार्केट में मिल गया। तो चलो अभी चेंज करते हैं। चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सारा पानी ड्रेन कर लेंगे जो भी आपका फिल्टर हो के रहा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहले हम लोगों ने इसे खाली कर लिया। अब सारे कंटेनर्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये है जिसमें हमारा एक्टिवेटेड कार्बन होता है, इसको अलग कर लिया। और ये हो गया ऊपर का कंपार्टमेंट जिसमें हमारा यूएफ मेम्ब्रेन्स होता है, तो इसको भी निकालते हैं। पहले बारी बारी से चीज़ों को करते हैं, तो इसको कर देते हैं साइड। तो पहले इसको खोल लेंगे। इसमें से हम एक्टिवेटेड कार्बन को निकालेंगे। ये है सेडिमेंट फिल्टर, जो कि पूरा गंदा हो गया। तो इसके लिए हम ये नीचे से ओपन करेंगे इसको। ये है एक्टिवेटेड कार्बन जो यूज हो चुका है। इसको साइड कर देते हैं। पेयर पार्ट्स के किट में देखो, हमारे पास है ये यूएफ मेम्ब्रेन्स, ये है एक्टिवेटेड कार्बन का पाउच, और इसमें है ये दो सेडिमेंट फिल्टर्स। तो चलो पहले हम एक्टिवेटेड कार्बन को फिल कर देते हैं। ये है देखो, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन। और उसके बाद अच्छे से इसको अपन बंद कर दो। ये हो गया, उसमें हमने एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। अब इसको थोड़ा इसको धो दो, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हो ये काला, अगर आप डायरेक्टली इसको फिल्टर में लगा दोगे तो फिर क्या होगा, ये आपके फिल्टर के तली में जम जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग फ्रेश कर लेंगे, क्योंकि यही चीज़ जाकर फिर यूएफ मेम्ब्रेन्स में जाकर बैठ जाता है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप चारकोल रिफिल करो, तो उसके बाद इसको एक फ्रेश पानी से धो दो, ताकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये सेडिमेंट फिल्टर। दो सेडिमेंट फिल्टर है, जिसमें से अभी हम एक ही यूज करेंगे। सेडिमेंट फिल्टर आ गया इसमें। और ये ऊपर से हो जाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे सेडिमेंट फिल्टर लग गया। तो अभी हम लोग यूएफ मेम्ब्रेन्स को डिटैच करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, तो इसके लिए देखो ये स्पेचुले जैसा चीज होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। अभी जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नॉट दिख रहा होगा, ये छोटा सा नीचे और एक ऊपर। तो कुछ करना नहीं है, इस स्पेचुला जैसे चीज को ये ऊपर वाले नॉट में लगाकर धीरे से प्रेस कर देना है, और आप इसको ऊपर की तरफ ये ऐसे इजीली खींच के निकाल सकते हो। ये देखो, जैसे जैसे इसको प्रेस करते जाओगे ये बाहर की तरफ निकलता जाएगा। ये निकल गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको इस जगह पे इस स्पेचुला को लगा के प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करके इसको हल्का सा ऊपर खींचोगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलो अब नया इसमें लगाते हैं। तो ये हमने डिटैच कर लिया ये यूज्ड फिल्टर, इसको साइड करते हैं और नए वाले यूएफ मेम्ब्रेन को पाउच से निकाल कर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें देखो दो तरह का पार्ट होता है, एक ये पतली वाली और एक ये मोटा वाला होता है। हमें इस पतले वाले को इसके अंदर डिटैच करना है, और इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, बस आपको ऐसे रख के सिंपली से इसको प्रेस कर देना है। ये हो गया कनेक्टेड। और फिर आपको जब निकालना होगा इसे, तो फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे आप इस नॉट में इसको लगाकर
यहाँ पे, और जब आप इसको प्रेस करो ये ऊपर की तरफ आएगा, देख सकते हो ये ऊपर आ रहा है, हमें भी निकालना नहीं, तो इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया सब कुछ फाइनली इंस्टॉलेशन। अब वापस से हम फिल्टर के नीचे वाले पार्ट को लाएंगे, इस पर इसको रख दिया, इसे वापस से यहाँ लगा दिया, फिर इसके ऊपर वाले पार्ट को लगा दो। ये रहा हमारा सेगमेंट फिल्टर और एक्चुएटर चार को, इसको यहाँ रख दिया। और आप फिर जब आपको वापस वाटर फिल्टर करना है, आप इसमें पानी डालो, जैसे ही आप इसमें पानी भरोगे ये जब पूरा फिल हो जाएगा तो आप देख सकते हो नीचे पानी फिल्टर होकर आ रहा है। तो ये था कंप्लीट सेटअप, ये है फाइनल लुक। ऊपर का कंटेनर पूरा पानी से भरा हुआ है और ये देखो नीचे कितनी मस्त पानी फिल्टर हो रही है।